सुनील कुमार सिंह जी। आदरणीय सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे झारखंड की बहुसंख्यक जनता के पीड़ा को व्यक्त करने का अवसर दिया है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि श्री महारामनवमी का पर्व झारखंड में लोक आस्था का महापर्व है और ये पर्व होली के तुरंत बाद प्रत्येक मंगलवार को मंगला शोभा यात्रा से शुरू हो जाता है। लेकिन अत्यंत खेद और दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि महारामनवमी की शोभा यात्रा और मंगला शोभा यात्रा को लेकर झारखंड सरकार की जो नीति है, जो वहाँ कांग्रेस और जेएमएम की जो सरकार गठबंधन की चल रही है, उसने बहुसंख्यक जनता के आवाज़ को दबाने का काम किया है और आज तक कहीं भी अनुमति नहीं मिल रही है। कल मैंने खुद भी मंगला शोभा यात्रा के लिए अनुमति का पत्र भेजा था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा ये हो रहा है कि बिना किसी आदेश के कहीं कहीं लोग स्वयं निकाल रहे हैं, लेकिन ये इसलिए दुर्भाग्यजनक है क्योंकि झारखंड की सरकार ने बहुसंख्यक जनता के धार्मिक अधिकार पर, जो हमें पूजा पाठ और अपने पर्व को मनाने का अधिकार है, उस पर रोक लगा रखा है। जबकि कोरोना के नाम पर पूरे देश में कहीं भी अपने आस्था के पर्व मनाने पर रोक नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह आग्रह करूंगा कि झारखंड सरकार को सचेत करें। साथ ही साथ सभापति महोदया, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि ये सदियों से चला आ रहा परंपरा है, झारखंड में सैकड़ों साल से हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, लातेहार, रांची, जमशेदपुर, कोडरमा, यानी जन जन तक, गांव गांव में ये पर्व मनाया जाता है और ये